भिंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भिंड में गुंडे बेलगाम हो गए हैं और इसी के साथ उन्होंने जानलेवा हमला किया है। मालनपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड तैनात था और वहीं बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। 3 सुरक्षा गार्ड जख्मी है तो 2 की हालत गंभीर है। दोनों को ग्वालियर रेफर किया गया है। भिंड जिले के मालनपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का गुंडों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। इसी के चलते इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां पर जानलेवा हमला किया गया है गुंडों के द्वारा। बता दें कि मानिकपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर इसी दौरान सवाल भी उठ रहे हैं। फैक्ट्री में तैनात सुरक्षा गार्डों पर बदमाशों ने हमला किया, जिसमें 3 सुरक्षा गार्ड जख्मी हो गए हैं तो 2 की हालत गंभीर है। बहरहाल सभी को ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र ओझा जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, भिंड से खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों पर गुंडों ने जानलेवा हमला किया है, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, रात्रि में लगभग 10 बजे के समय गेट कीपर ने जब गेट खोला तो उन्होंने सोचा ये कि हमारे स्टाफ है, स्टाफ न होने की वजह से वो कोई गुंडे थे जो अंदर घुसा है, और उन्होंने 3 गार्डों के साथ में चाकू से वारदात की जी। और तीनों जब बुरी तरह से जख्मी हुए, जिन्हें ग्वालियर के लिए रेफर किया गया जी। धर्मेंद्र, देखा जाए तो फिलहाल पुलिस प्रशासन उन गुंडों पर क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आम जनता में कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए रोष भी व्याप्त है। जी मैं बताना चाहूँ, भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान घटना स्थल पर सुबह से ही मौजूद हैं और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा जा रहा है ये कौन लोग थे जो उन्होंने अंजाम दिया है जी। और लगातार मालनपुर एरिए में उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द में सबूत को ढूंढने के लिए भिंड पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो भिंड से खबर, जहां पर भिंड में गुंडे बेलगाम हो गए हैं और जानलेवा हमला गुंडों के द्वारा सुरक्षा गार्डों पर किया गया है।